सो so, हम स्टार्ट लेते हैं कि यूज मैग्नेटिक फील्ड लाइन टू विजुलाइज मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एंडिकेट देयर स्ट्रेंथ जिस तरह हमने कहा था कि इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स को यूज uh, करते हैं ताकि हम uh, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको विजुलाइज कर सके और उनकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट कर सके सो so, बिल्कुल इसी तरह हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को यूज़ करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन को ड्रा करते हैं टू विजुलाइज द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ताकि मैग्नेटिक फील्ड को देखा जा सके एक सेंस प्रोड्यूस किया जा सके मैग्नेटिक फील्ड को देखने का uh, वाजी कर सके पासिंग थ्रू एस एंड यूज दिस काउंट टू डिटर द मैग्नेटिक फील्ड ठीक है तो यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये एक सर्पेस है और इस सरफेस से क्या है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो पास कर रहे हैं ठीक है ये कंसेप्ट है हमारे पास कि फील्ड लाइन सरफेस से होके गुजर रहे हैं इसी कंसेप्ट को हम यूटिलाइज करेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए ठीक है सो द मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू ए सरफेस ठीक है इज द नंबर ऑफ द फील्ड लाइन है मैग्नेटिक प्लग्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे मैग्नेटिक so, की डिफाइन करने का तरीका बहुत आसान है कि दिस इज नथिंग मोर देन द पासिंग आउट ऑफ द मैग्नेटिक लाइन थ्रू अ सरफेस एरिया ठीक है कि हमारे पास क्या है uh, एक पर्टिकुलर सरफेस एरिया है ठीक uh, like uh, है दैट वी डिनोटेड बाय ए एंड दिस इज लाइक यू कैन सी एंड ऑब्जर्व हियर ठीक है ये सरफेस एरिया है और इस सरफेस एरिया से नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन वो पास कर रहे हैं ठीक so, है uh, plugs, कि कितने lines, uh, एक से, से वो पास कर रहे हैं सो so, इसी को हम कहते हैं मैग्नेटिक प्लाक्स ठीक है सो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर ड्रॉन आर बैटरली सो वी क्वानिफाइड लाइक दिस जो फील्ड लाइन है हमारे बैटरी इनको ड्रा करते हैं सो जस्ट बिकॉज को डिनोट करते हैं लेकिन यहाँ पर मैग्नेटिक मैग्नेटिक्ल है सो वी राइटेड एम फॉर मैग्नेटिज्म और फॉर द दैट इज इक्वल टू बी ए फॉर द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस For the, uh, area, अब अगर हम कहें कि हमारे पास जो uh, जो सर्विस एरिया थोड़ा सा, सा so uh, इनमें से चंद ही लाइन uh, वो सर्पिस को क्रॉस कर रहे सर्फिस में से हो गुजरते हैं सो वट इट मीन इसका मतलब है कि जो प्लक्स है uh, यहाँ पर विदाउट एनी कम्पलेक्स मैथमेटिक्स

जो फील लाइन है या जो प्लस है डिपेंड ऑन द द ऑफ़ सर्फेस के surface के ओरिएंटेशंस पे आ, वो डिपेंड करती है ठीक है सो वी डिफाइन वेक्टर ए वेक्टर ए को हम डिफाइन करते हैं टू बी अ हैविंग अ मैग्नीट्यूड इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्फेस ये हमारे पास सर्फेस है ठीक है इस सर्फेस के लिए हम एक वैक्टर ए को डिफाइन करते हैं और हम कहते हैं कि वेक्टर ए को हम ऐसे डिफाइन करते हैं कि इसकी जो मैग्नीट्यूड है बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस सरफेस ठीक है और इसकी जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी नॉर्मल टू द सरफेस के uh, ये हमारे पास सरफेस एरिया है uh, इसको हम एक वेक्टर ए से डिफाइन करते हैं हम कहते हैं कि uh, वेक्टर ए की जो एरिया है दैट विल इक्वल टू द सर्फेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्पेस ठीक है

The vector A or the amount of the uh, surface area A parallel to the electric field is uh, A cos theta. Or we can say that uh, the parallel component of the uh, surface area is equal to A cos theta. Okay, parallel component hai, that is given by A cos theta. So, in that scenario, we can define the magnetic flux.

बी ए थीटा ठीक है एक की मैग्नी तो दूसरे के uh, वो कम्पोनेट लेंगे पहले का कम्पोनेट लेंगे तो दूसरे की मैग्नेट्यूड लेंगे so, ये सिचुएशन हमने पिछले क्लासेज में जो फिजिक्स आप लोगों ने पढ़ी थी डार्ट प्रोडक्ट या क्रास प्रोडक्ट उसमें हमने डिटेल के साथ इसको एक्सप्लेन किया हुआ है ठीक है टिक फील्ड इज नॉट यूनिफॉर्म अब ये हमारे पास भाजपा हो सकता है कि मैगनेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म ना हो या हम कह सकते हैं कि अगर सर्फेस यूनिफॉर्म ना हो सर्फेस प्लेट ना हो दो कंडीशन है एक कंडीशन यह है कि मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो और सर्फेस जो है वो प्लेट ना हो तो so इस कंडीशन में फिर हम क्या करेंगे एंड एड प्ल थ्रू ई ठीक है तो फिर हमने क्या करना है कि हमने ये जो सर्पिस है अगर ये सर्पिस प्लेट नहीं है तो इसको छोटे छोटे सर्पिस एरिया में हमने डिवाइड करना है ठीक है छोटे 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 सर्पिस एरिया से इसमें मतलब इस एरिया को हमने डिवाइड करना है और फिर ईच एरिया से मतलब जितने भी सर्पिस एरिया से आ, वो इनसे हमने प्लक्स को कैलकुलेट करना है और फिर जो टोटल फ्लक्स है दैट वी विल फाइंड बाय सिंपली एडिंग द फ्लक्स थ्रू ईच सरफेस एलिमेंट ठीक है के आसानी के साथ फिर हम जो फ्लक्स है जो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करेंगे दैट विल बी इक्वल टू द समेशन ऑफ द फ्लक्स फ्रॉम ईच एरिया एलिमेंट एंड वी कैन राइट इट लाइक दिस ठीक है के मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू लैमट्स लैमट्स हमारे पास क्या है

यहां पर हम ये कह सकें कि मैग्नेटिक फील्ड वो क्या है वो हमारे पास वो यूनिफॉर्म है ठीक है सो वी से दैट डेल्टा ए आई 10 टू 0 समेशंस आई बी आई डॉट डी ए आई तो ये हमारे पास है uh, मतलब इसी सिचुएशन पर्टिकुलर सिचुएशन में हमारे पास मैग्नेटिक uh, फ्लक्स है या ये जो सिचुएशंस है दैट वी कैन राइट इन इंटीग्रल फॉर्म एज मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल्स बी डॉट डी ए हमारे पास है कि uh, है है uh, uh, like uh, ठीक uh, मतलब अगर हमारे पास एक शीट है हम कह सकते हैं कि लाइक स्टार्टिंग प्रॉब्लम्स ठीक है सो बट रिमेंबर एफ वी से सरफेस इज अ क्लोज सरफेस ठीक है कंप्लीटली इनक्लोज अ वॉल्यूम

and for that we count the line going out as a positive, and the line going in as negative. easy situation में हम यहाँ पर देखें जो P line है, हम कहते हैं कि हमारे पास closed surface है, तो closed surface में जितने P lines बाहर की तरफ आ रहे हैं, हम उसको लेंगे as a positive, और जितने अंदर जा रहे हैं, that we will take as a negative, ठीक है? अगर हमने सरपिस इंटेगरल लेना है आ, 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 वी विल टेक डबल लेकिन यहाँ पर हमारे पास सिचुएशन जो है आ, वो मैग्नेटिक मानोफोल का है कि हम कहते हैं कि देयर आर नो मैग्नेटिक मानोफोल इन नेचर और यह चीज़ हमारे पास एक्सपेरिमेंटली साबित है कि हमारे पास जो मैग्नेट है आ, उसका क्या है उसका मानोफोल एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है अब अगर एग्जिस्ट करती इफ देयर व तो इन दैट पर्टिकुलर कंडीशन देर आर मोर फ्लक्स लाइन गोइंग आउट ऑफ देन एन टू द वॉल्यूम सो देर वुड बी मैग्नेटिक मानोफॉल इनसाइड, ठीक है तो मतलब हमारे पास क्या है मैग्नेटिक मानोफॉल एग्जेस नहीं करती अगर करती तो हम कहते हैं कि मोर प्लक्स लाइंस दे आर गोइंग आउट ऑफ देन एन टू द वॉल्यूम कि अगर मानोफॉल एग्जेस्ट करती तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि मोर फील्ड लाइन जो है वो सरफेस से बाहर की तरफ आते है मतलब मुकाबले जितने की अंदर जाती है तो अंदर के मुकाबले में फिर हम कहते हैं कि ज्यादा फील्ड लाइन वो बाहर की तरफ आ रहे हैं ठीक है फिर हम ये ना कहते हैं रहे उतनी लाइन बाहर आ रहे हैं उसमें हम कहते हैं कि मोर uh, लाइंस uh, मतलब ज्यादा लाइंस मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो थे वो बाहर की तरफ आते एज़ कम्पेयर टू द फील्ड लाइन गोइंग एंड बट द फैक्ट इज कि हमारे पास क्या है मैग्नेटिक मानोफोल Uh, वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है सो देयरफॉर वी कैन राइट पर सच अ कंडीशंस द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू अलोंग अ क्लोज पाथ बी डॉट डी ए इज इक्वल टू जीरो ठीक है और ये जो इक्वेशन है इसको हम कहते हैं गॉसज लॉ फॉर मैग्नेटिज्म और uh, मतलब है इसी की मीनिंग ये है ये जो इक्वेशन है फिजिकल सिग्निफिकेंस इसकी ये है कि देयर इज नो मोनोपोल फॉर

So, इसी से हम यहाँ पर कह सकते हैं आ, मतलब ये जो गास्ज लॉ है फॉर द मैग्नेटिज्म इसका बेसिकली यही मतलब है आ, कि फॉर द मैग्नेट मैग्नेट ठीक है कि मैग्नेट के लिए हमारे पास या मैग्नेटिज्म के लिए हमारे पास क्या है मानोफोल वो एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है अच्छा सो वी हैव नाउ लर्न गज लॉ फॉर बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जहाँ पर हम कहते थे कि मानोफोल वो एग्जस्ट करती है सो गास इज ला फॉर ए क्लोज सर्फेस आई मीन दैट वॉज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक प्लस इज इक्वल टू एलॉन्ग क्लोज सर्फेस ई डॉट डी एज इक्वल टू द चार्ज इन क्लोज डिवाइडेड बाई एप्सल आर नाट यहाँ हम कहते थे कि द इलेक्ट्रिक प्लाक्स अकॉर्डिंग टू द गास इज ला थ्रू ए क्लोज सर्फेस इज ऑलवेज इक्वल टू वन ओवर एप्सल आर नाट ठीक है या हम कहते हैं आइसोलेटेड लेकिन यहाँ पर हम जब आते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में सो मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में हम कहते हैं there is no such a concept of कि देयर इज नो सच ऑफ ठीक है कि यहाँ पर जिस तरह के सिंगल चार्ज है द चार्ज शुड बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है यहाँ पर सिंगल चार्ज को हम ले रहे हैं कि ये जो इंक्लोज चार्ज है दिस कैन बी इधर पॉजिटिव और नेगेटिव ठीक है मतलब मानोफोल वो एग्जिस्ट कर रही है फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का जो चार्ज है पॉजिटिव या नेगेटिव आइसोलेटेड चार्ज उसके लिए एग्जिस्ट करती है लेकिन आइसोलेटेड पोल अ मैग्नेट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती ठीक है सो व्हाई दिस क्वांटिटी हियर ये जो है दिस क्वांटिटी हियर इज जीरो सो द होल टर्म इज जीरो देयर इज व्हाई मैग्नेटिक फ्लक्स इन द केस ऑफ अ क्लोज पाथ ठीक है वो हमारे पास क्या है वो जीरो है क्योंकि हम कहते हैं कि there is no monopole for a magnet, कि मैग्नेट के लिए कोई हमारे पास मोनोपोल नहीं है सो so ये वाला हमारे पास क्या है ठीक है? ठीक है? ये हमारे पास घास इज ला है मैग्नेटिज्म के लिए इसको अगर हम आ, मतलब डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे सो so, ये वाला जो है डिफरेंशियल फॉर्म में दैट इज टू

Uh, वो मैग्नेट के लिए एग्जिस्ट नहीं करती uh, मतलब समरी इन दोनों लॉज का uh, यही है सो दैट्स ऑल वी हैव फॉर दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वाचिंग सी यू नेक्स्ट लेक्चर वेरी सून टिल देन बाय बाय